तो आपने पूतना को भी दे दिया, तो जो मोक्ष आपने पूतना को दिया वही मोक्ष यदि आप माता यशोदा को देंगे तो क्या ये उचित होगा? कहा तो भाई हम इन ब्रजवासियों के कुल कुटुंब सहित सबको मोक्ष दे देंगे। तो ब्रह्मा जी बोले फिर बाकी पूतना के कुल में भी कौन बचा जिसको भगवान ने मोक्ष न दे दिया, इसलिए आपके पास कुछ देने को नहीं, आप ब्रजवासियों के ऋणी ही रहेंगे। अस्तु, ये जो पूतना थी जहां पर ब्रज था उससे बाहर मरी और बड़ा भयंकर इसका रूप, भयंकर काले काले केश, लंबी ऊंची नाक और धसी हुई कुएं जैसी आंख और हर का अग्रभाग जैसा पहना होता है वैसे दांत, पहाड़ जैसे स्तन और जैसे सूखा कुआ हुआ होता है वैसा पेट, ऐसी पूतना काली काली। रूप तो सब चस्त हो, अरे क्या हो गया है, इस दुष्ट ने तो मार ही डाला होगा कृष्ण को, लेकिन वो खेल रहे हैं, उसके स्तनों में हाथ रख के खेल रहे हैं, पैर फटकार रहे हैं। तो गोपियाँ उनको पूतना से उठा के ले आई, यशोदा जी को दिया, यशोदा जी अपना स्तन पिलाने लगी तो नहीं पिया, तो फिर उनका उपचार हुआ, गोपुच्छ से भ्रमण, गोपुच्छ का भ्रमण कराया गया, गोपियों ने भगवान के अंग में विष्णु के सब नामों से गोबर की टिपकी लगा के उनकी रक्षा की, तब कहीं भगवान ने दूध पिया। और इधर नंद जी मथुरा से आ रहे थे, बसदेव जी ने उनको बता ही दिया था कि संत उत्पाताश्च गोकुले गोकुल में उत्पात होने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पूतना पड़ी हुई है तो उनको लगा हाँ बसदेव कोई ऋषि हो गया, उसकी बात झूठी नहीं निकली। वहाँ गोपाल सब खड़े थे, उन्होंने कहा नंद जी भाग गए, तुम्हारा बेटा बच गया, नहीं तो ये तो मार ही डालती। तो नंद जी ने कहा हाँ मेरे ऊपर मेरे नारायण की बड़ी कृपा है, मेरा बेटा बच गया। अब ये पड़ी है इतनी लंबी चौड़ी, क्या करें इसको? तो गोपों को बुलाया और कुल्हाड़ी से उसके अंग कतरे काटे और लकड़ी की चिता बना के उन टुकड़ों में आग लगाई, धुआं निकला लेकिन उसमें अगरु जैसी सुगंध निकली। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस राक्षसी के धुआं में इतनी सुगंध कैसे आ गई। तो श्री सुखदेव जी बोले कि बात यह है कि भगवान का स्पर्श इसने किया है, भगवान उस पूतना के स्तनों को पकड़ के पैर फटकारते रहे, उसको पैर से मारते रहे, उनके चरण उसको स्पर्श कराया। तो जिसके शरीर में भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए वो तो पवित्र हो गई, इसलिए उसके धुआं से सुगंध निकली। तो कहते हैं जो इस तरह पूतना के मोक्ष की कथा सुनता है
गोविंदे रमते रति, उसको गोविंद भगवान में रति प्राप्त होती, प्रीति प्राप्त होती। पूतना के मोक्ष का चरित्र सुनने के पश्चात राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज और भी भगवान के चरित्र सुनाइए। येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी जन प्रभो। भगवान हरि ईश्वर, साक्षात ईश्वर हरि, जिस अवतार से कर्म करते हैं, लीलाएं रचते हैं, वो कर्ण रम्य है, कानों को बड़ी प्यारी रखते हैं, मधुर रखते हैं। मनोज्ञ, मन को भी बहुत अच्छी रखते हैं। तो महाराज वो हमको सुनाई और क्या क्या भगवान के चरित्र हुए। तो मानो परीक्षित ने, परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा कि क्या बात है जो तुम इतना प्रेम से भगवान की लीला कथा सुनना चाहते हो। क्या महाराज, उनकी कथा में यही विशिष्टता है, यणवतो पैतरीतृष्णा सत्वच शुद्धिण पुंस भक्तिर्हरऊ तत्षे चख्यम तदेवरंभदमसे चेत यणवतो पैतरती। भगवान के चरित्रों का, लीला कथा का श्रवण करने से अपैत्य रति, अरति दूर हो जाती। बात क्या है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म के पापों से भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कैसे का भगवान की चर्चा, भगवान की कथा तो बड़ी मधुर है। बोले बात है कि पाप जो है ये बुद्धि को मलिन किए हुए हैं, जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब जर चढ़ जाता है जोरों का तो कुछ भी भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन में रुचि ही नहीं होती। और दूसरे यह है कि जिसकी जीभ में पित्त दोष हो जाता है तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। जो कड़वी चीज है वो मीठी लगती है। मोह भुजंग सत जी भाई, कहते हैं विषय निम्ब कटु लगत नताई। जिसको मोह रूपी भुजंग काट लेता है उसको विषय यद्यपि कड़वे हैं नीम के समान।